सो हे गाइस वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली माता ने हमें बुला लिया है, चलो बुलावा आया है। तो वैष्णो देवी के माता के जा रहे हैं, तो सभी जा रहे हैं मेरे भाई लोग। तो ये रही गैंग पूरी, ठीक है। तो बाकी टिक्का वगैरह लगा लिया अच्छे से और कपड़े वगैरह पैकिंग कर लिया, आपने देख लिया हैं, अच्छे से रेडी हो चुके हैं सभी। और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है भाई छोड़ने के लिए, तो पूरी जनता खड़ी है छोड़ने के लिए। जल्दी जल्दी आ जाओ। जय वैष्णो माता की। चल भाई बाय बाय। हनुमान चौक पहुंच गए हैं, तो अभी यहां से जाएंगे सीधा स्टेशन पर, वो भी पैदल जाएंगे, ऑटो वगैरह में नहीं जाएंगे, पैदल यात्रा। जल्दी जल्दी पी लो यार, जल्दी जल्दी भाइयों यार, लेट मत हो। स्टेशन तक की पैदल यात्रा। तो टिकट हो गई है, 960 रुपये लगी हैं 6 टिकटों के, तो 1 टिकट के 116 रुपीस लगे हैं। एंड अब जा रहे हैं जम्मू 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 माता के, तो जम्मू तभी है ये, जम्मू तक जाएगी, वहाँ से फिर आगे और ट्रेन या बस में जाएंगे। तो फिलहाल हम स्टेशन पर पहुँच गए हैं बठिंडा के। हमारी ट्रेन तो ना 6 बजे तक आएगी और 6:30 बजे चलेगी, तो थोड़ी देर हमने सोचा रेस्ट कर ले, तो फिलहाल ये कोई ट्रेन खड़ी थी, यहाँ पर बैठे हैं। फरीदकोट पहुंच गया है। जी आ रहे स्पेशल हमारे लिए, पानी वगैरह लेकर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। वो आ रहे, आजो आजो आजो। तो फाइनली खाना बना चल पड़ा है। और ये क्या भाई, ये पनीर की भुर्जी, पनीर की भुर्जी और साथ में चटनी, और सभी भाई लोग खा रहे हैं। खाओ खाओ खाओ। अंदर आ गया, पानी बिल्कुल नहीं है, और बोतलें देख लो कैसे पकड़ रखी है मैंने, तो बोतलें खाली हो चुकी है, फिलहाल पानी भरना है। और सामने है पानी वाला नल, और पानी भरते हैं। बुरी हाल तो इपड़े गर्मी में भाई साहब, पसीना देख सकते हो बहुत गंदा वाला है, 10-15 बोतलें भरी है, अंदर पहुंचा दी हैं, और पसीना देख सकते हो आप, बुरी हालत हो चुकी है। माता परीक्षा ले रही है, जय माता की। चंगी तरह पक्की पक्की पक्की। सो फाइनली जम्मू पहुंच गए हैं, और यहां से अब कटरा के लिए ट्रेन पूछने के लिए जा रहे हैं, इंक्वायरी सेंटर पर, ठीक है, वहीं से टिकट लेकर फिर सीधा कटरा की ओर चलेंगे। माता के श्रद्धालु अभी से ही चढ़ाई बिना चढ़े थक गए हैं। जम्मू से कटरा तक की 2 टिकट ले ली है, मतलब कि 6 टिकटें 360 रुपए की लगी हैं। जयकारा वैष्णो माता दा, बोल साचे दरबार की जय। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं माता के कटरा वैष्णो माता के। जय हो, जय माता की। सीधा जाएंगे, पहले रिक्शा लेंगे, रिक्शा लेकर फिर रूम की तरफ चलेंगे। बहुत क्राउड हुआ पड़ रहा है, क्योंकि समर वीकेंड चल रहे हैं, तो सभी लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं जून का मंथ। ये वाला होटल बुक करा है 1200 रुपये में, नॉन एसी रूम है, ठीक है, तो बढ़िया रूम है। बाकी आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देख लो हमारा एसी भी देख लो, ये एसी है हमारा। बाकी टॉयलेट बाथरूम भी देख लो आप। अब यहाँ पर नहाना धोना चलेगा, अभी नहा कर आया हम, बहुत ठंडा पानी रहा, इतना ठंडा, फुल चिल्ड है। और अभी ठंडा तो पानी था ही, और मौसम फुल चेंज हो गया, देखो बारिश हो रही है। अब इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं मार्केट से, एंड ना जो टिकटें हैं ना वो बुकिंग नहीं हुई, वो पूछ कर आते हैं इंक्वायरी सेंटर पर, रेलवे स्टेशन चलते हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। इन्होंने ऐसे बोला है कि टिकट नहीं हो सकती बुकिंग, क्योंकि सभी वेटिंग लिस्ट में जा रही है, तो फिलहाल वापस जा रहे हैं, देखते हैं पैसेंजर में जाना पड़ेगा, अगर हो पाया तो, हो क्या पाएगा, पैसेंजर में जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत परेशानी आएगी यार। स्टेशन पर आने का एक फ़ायदा हो गया है, कार्ड बन गया है मेरा, और शैंडी का कार्ड बना लिया है। तो ऐसा होता है कार्ड, यात्रा कार्ड फ्री होता है, मुफ्त बनता है, रेलवे स्टेशन के अंदर ही बन गया है, वैसे तो वो बस स्टैंड की तरफ भी बन जाता है,
बाय द वे हमने यहीं पर बना लिया है, तो बाकी का बाद में बनाएंगे। तो खाना वाना उनके लिए लेकर चलते हैं, फिर खाना वाना खाकर उनके कार्ड गोड बनाकर फिर यात्रा करेंगे। जय माता की। चलो फिर चलते हैं खाना खाने के लिए, दोस्तों खाना खिलाकर लेकर आते हैं और खुद भी खाते हैं। तो खाना खाकर वहीं से कार्ड बना लेंगे बस स्टैंड के साइड। फाइनली हमारी थाली तैयार हो चुकी है, जिसके बीच में आलू की आलू मटर मिक्स सब्जी एंड दाल एंड राइस और चार चपाती मिलेगी, और ये 100 रुपीज की पड़ी है प्लेट। बाय बाय, जल्दी जल्दी कार्ड बनाकर आओ। तो सबके यात्रा कार्ड बन चुके हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इधर से लेके वो लास्ट तक लाइन है, और ये द्वार है, स्टार्टिंग है बालगंगा का। जयकारा मां वैष्णो माता दा, सच्चे दरबार की जय। ये बालगंगा की नदी है जो कि अभी तो सूखी हुई है और इसकी साफ सफाई चल रही है। अपने खून से नहलाने तेरा बेटा गया, मां शेरा वाली तेरा शेर आ गया। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, फिलहाल पसीने छूट रहे हैं, बाकी ऊपर जाकर देखते हैं क्या मौसम बनेगा। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो लाते पेन करने लग गई है, क्योंकि ना अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो वो ज़्यादा लंबा रास्ता पड़ रहा था, अब सीढ़ियों से जल्दी पहुँच जाएंगे। 300 कुछ सीढ़ियाँ हैं तो सीधा जाएंगे। पूरे भाई लोग पूरे थके पड़े हैं, इसको तो पेन हो गया था, इसको मेडिसिन दी है। बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से अब एनर्जी ड्रिंक ली जा रही है, जो कि हमारी फेवरेट चाय। ये मेरा दोस्त, ये मुझे मिलने के लिए इधर आया इतनी दूर माता से। ये कैसे है? चल भाई चल, आया तुझे छोड़ दे, चल 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 टाटाना। बात सुनना, राहुल मुक्सरे का चैनल है, जाकर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त को भी बोल देना, ठीक है भाई? तू भी ठीक है, अपने दोस्तों को बोल देना राहुल मुक्सरे चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है? जय माता की। इच्छापूर्ण मंदिर है ये, माँ भगवती दर्शन। ये भाई भी माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है ऊपर, पहले पेड़ पूजा कर रहा है फिर दर्शन करने जाएगा। अर्धकुंवारी माता के पहुंच गए हैं, यहाँ से बोल रहे हैं टोकन वगैरह लेकर फिर मत्था टेकने को मिलेगा, तो अभी पता नहीं है। फिलहाल अभी बस आपको जन्नत दिखाने के लिए लेकर आए हैं। ये देखो बादल कितने धुंध है, वो देखो पीछे तक वो ज्यादा, ये देखो वो डूंगाई कितनी, वो देखो खाई है, बहुत मजा आ रहा है। पसीने से भी पसीने का पता नहीं लग रहा, वो ठंडक ठंडक हवा लग रही है ना। ऐसा व्यू कभी नहीं देखने को मिला लाइफ में, देख सकते हो कितना धुंध है। ये धुंध नहीं है, बादल ही बादल है, मतलब कि मैं बादलों के ऊपर, बादल मेरे नीचे है। ये देखो पहाड़ ही पहाड़ पहाड़ी, ये देखो नदियां की वो सड़कें। ये अर्धकुंवारी माता की गुफा के ना पर्ची कटक हुई है, जो कि ना 2 दिन बाद नंबर आएगा, तो मुश्किल है, हम नहीं देख सकते। बाय द वे आपको बता दूँ, आपको खाने पीने के पूरे रेस्टोरेंट मिलेंगे यहाँ पर, और ब्लैंकेट्स वगैरह भी यहाँ पर, कैश काउंटर है और यहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं अगर आप नहीं लेकर आए तो। डिनर करने आ गए हैं, तो राइस वगैरह खाए हैं, और राइस आ गए हैं। ये देखो हमारा डिनर आ गया है, ये 45 रुपये की एक प्लेट दी है, तो 2-3 मंगवा लिया हमने। ये क्या राजमा चावल है और कढ़ाई चावल, वो आ गए हैं, तब ये खाएंगे और फिर यहाँ से वैष्णो माता के जाएंगे। अपने रात का डिनर कर राइस वगैरह खाकर 45 रुपीज की प्लेट आई थी, बहुत अच्छी प्लेट थी, तो अब खाकर अर्धकुंवारी से, क्योंकि अर्धकुंवारी का ना वो नंबर वगैरह 2 दिन बाद आना था, तो ऐसे ही आता है वहाँ पर गुफा का नंबर, तो फिर वो कैंसिल कर दिया। बाकी अब वैष्णो माता की चढ़ाई जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से चलकर अब थोड़ा रेस्ट करने को मिला है, तो माता आने का नाम ही नहीं ले रही है, चले जा रहे हैं माता का नाम लेकर। बाकी ये अच्छी हवा भी चल रही है, अब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, और जल्दी जल्दी माता आ जाए और दर्शन हो जाए। फिलहाल देखते हैं अगर सुबह दर्शन करें, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो सुबह के दर्शन करेंगे, बाकी भाइयों से देखते हैं, जैसे भी आपको अपडेट मिल जाएगा। बिल्कुल 3 किलोमीटर रह गया है माता का दरबार, तो यहाँ पर अब सोने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर रात सोकर हम फिर चलेंगे अगले दिन,
अगले दिन मतलब कि सुबह 1-2 बजे निकलेंगे यहाँ से और सुबह की आरती देखेंगे और फिर माता के दर्शन करेंगे। फिलहाल अभी सो रहे हैं यहाँ पर सभी भाई, चादर वगैरह बिछा रहे हैं और यहाँ पर सो जाएंगे अब और मैं बेंच पर सो जाऊंगा। गुड नाइट भाइयो, गुड नाइट मेरी जान, सोया। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, तो फाइनली 2 बज चुके हैं और हम यहाँ से अब निकलते हैं विष्णु माता की यात्रा के लिए। अच्छे दर्शन हो गए थे माता जी के एंड फोन वगैरह तो यहीं पर सबमिट करके थे। बाद में हमने ना वो लिया था प्रसाद, तो सभी भाइयों ने प्रसाद ले लिया था। ये हमें प्रसाद 150 रुपये का पड़ा था। बाद में टोकन दिया, एक नारियल रख लिया, वापस दूसरा नारियल दे दिया। अब बैरनाथ की बाबा जी की यात्रा करेंगे, देखते हैं। या तो स्केटिंग वो जाएंगे, रूलर होता है जो वो तारों पर चलने वाला, या फिर पैदल ही जाएंगे। अब देखते हैं कैसा प्लान बनता है। जय पैरो बाबे दी, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। जय पैरो बाबे दी। पैरो बाबा की हमने चढ़ाई सीढ़ियों से स्टार्ट कर दी थी तो बहुत थकावट हो जाती है, बट ना एक बात, इससे आधा रास्ता कट हो जाता है। जो ये दूसरी स्लाइड वाली सीधे सीधे जाते हैं चढ़ाई, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और ये सीढ़ियों पर जल्दी खत्म हो जाती है। अब बस 262 रह गई हैं सीढ़ियाँ, वो कम्प्लीट कर फिर भैरव बाबा जी आ जाएंगे। कर लिए थे एंड आपको सुकून दिखाऊं पहाड़ों का, ये देखिए पहाड़ी पहाड़ है, ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। देखो कितना, ये माता जी का, विष्णु माता का मंदिर, और वहां तक देखो धुंध ही धुंध है, मतलब कि बादल है, मैं बादलों के ऊपर हूँ। फुल मजा आ रहा है और यहाँ पर बंदर मामा, ये रहे, बादल ही बादल है और बाकी सभी लोग रेस्ट रुस्ट कर रहे हैं और बाकी फोटो वगैरह करवा रहे हैं। एकदम से देखो माता का मंदिर जो है ना छिप गया है बादलों के बीच में, देखो कितने बादल आ गए हैं, वो देखो वो दिख रहे हैं लाइटिंग, बदली बादल आ गए हैं। मंकी मामा आ गए हैं जो कि राजा है, राजा। अब देखना किसी के क्या तक फोन भी खींचेंगे, एक हाथ हेलो मिलाएंगे, वो वाओ हेलो मिला रहे हैं, नहीं कुछ खा रहे, चने खा रहे हैं, चाय आ गई, चाय 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 बाय दे चाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मटर नहीं लेके आए, मटर लेकर आओ, मटर भी। चलो भाई भैरव बाबा के दर्शन हो गए, हम नीचे जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो सीढ़ियों पर जा रहे हैं, पहले चढ़ते टाइम तो बहुत टफ हुआ था, बहुत दिक्कत आई थी, अब तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। किंदा फोन आया, किंदा गाड़ा लिखने वास्ते। सच्ची बोलू यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है ऐसे पहाड़ों में मेरा घर होता और डेली ऐसे व्यू देखने को मिलता सामने, जैसे जैसे उठा तभी पहाड़ों का मजा आता। बात तो बस है ही नहीं किस्मत में, आप देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा नजारा है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर उड़ता है, ये देखे। आज आज जल्दी अर्धकुंवारी बस माता के पहुँचने वाले हैं और सीधा जल्दी जल्दी आ रहे हैं, उसके बाद फिर सीधा नीचे अर्धकुंवारी माता जी पहुंच गए हैं, वो देखो बिल्कुल सामने। बट्टा ना एक बात बता देता हूँ आपको, हमने टिकट तो कटवा ली थी इनकी, जो 2 दिन का टाइम दिया उन्होंने गुफा देखने का, तो 2 दिन का टाइम ही नहीं हमारे पास तो कैंसिल। तो फाइनली यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छी रही, बस थकावट बहुत होगी ज़्यादा, पसीना आप देख सकते हो, टी शर्ट वगैरह पूरी भर गई है। आप सीधा जा रहे प्रसाद वगैरह लेकर रूम में चलेंगे, रूम से सीधा बस रेलवे स्टेशन, पूरी थकावट हो गई है यार। तो इधर हम ले रहे हैं अखरोट बाइक, ये बाइक की शॉप है तो इधर अखरोट वगैरह ले रहे हैं, तो आप आ सकते हो ले सकते हो, जायज रेट लगाएगा भाई। शॉप का नेम क्या था? हाँ जी, शॉप का नेम राजा ड्राई फ्रूट। राजा ड्राई फ्रूट देवी पार्क के बिल्कुल सामने है, ये देख लो, ठीक है, देवी पार्क के बिल्कुल सामने है, जब हम जाते विष्णु माता की सड़क पर तो सब कुछ मिल जाएगा जायज रेट पर। हम कोटपुरा पहुंच गए हैं और यहाँ से हम बस लेंगे, क्योंकि यहाँ से रास्ता नेड़े पास में ही है बिल्कुल, तो बस लेकर सीधा घर चलेंगे। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, और बाकी भाई लोग चल रहे हैं और जल्दी जल्दी बस पकड़ते हैं। बाय गाइस।